हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओरियंट फैमिली। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे चैप्टर 1 जो आपका दिया हुआ है, इसमें थ्योरी वाली पोर्शन है और थ्योरी वाली पोर्शन बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग ज्यादा फील होता है। इस कारण हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो कुछ टर्म्स ऐसे जानने पड़ेंगे ताकि हम आगे अकाउंट्स को थोड़ा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अब रट्टा फिकेशन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कि ऐसा नहीं कि रट्टा फिकेशन के थ्रू आप स्टार्टिंग से रटना शुरू कर दो, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ चीजों को पहले क्लियरली समझोगे और वो भी एकदम अपने लैंग्वेज में समझने की हम कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि रट्टा फिकेशन कर लिए और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर बाद में आप भूल जा रहे हो, ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एकदम नॉर्मली लैंग्वेज में हम समझेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिसे हम बात करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि आपका चैप्टर 2nd है। अब पहला इसमें टर्म आता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो आपने कॉमर्स ले रखा है तो कॉमर्स में आपका पहला ही सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। यहां सबसे पहले हम जो भी बात करने वाले हैं वो हम बिजनेस की बात करने वाले हैं। अब आप ये समझो कि बिजनेस आपके ब्लड में अभी तक नहीं है, लेकिन इससे पहले आपने इस तरह की चीजें जानी भी है। फर्क इतना ही है कि आप उसको बिजनेस का नाम नहीं दे सकते थे। तो अब उन चीजों को कैसे समझेंगे, यहां पर आते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू समझते हैं। सबको ये समझते हैं कि आपके गली मोहल्ले में कोई ना कोई छोटी सी दुकान होगी। अब वहां पर आप यदि कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उन चीजों को एक नॉर्मली एक पर्चे पे या फिर एक रजिस्टर पर उसे नोट करता है। जो भी वो खरीदता है बेचता है, खरीदता बेचता है या अपने स्टाफ को सैलरी पे करता है, ऐसे कई तरह की चीजें हैं जिसको कि वो अपने रजिस्टर में या फिर नोटबुक में या कहीं पर भी नोट करता है। सर ये क्या बातें हो गई, आप चलो दुकानदार को भूल जाओ, आप अपने घर में आपके पापा जी के पास एक छोटी सी डायरी होती होगी जिसमें कि पापा जी जो भी खर्चे करते होंगे, आपकी ट्यूशन की फीस दिया, स्कूल की फीस दिया, आपको बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजें नोट करते होंगे। सर इसका इससे क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है बच्चे। यहां ट्रांजेक्शन का मतलब यही होता है कि जो भी आपके बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी हो रही है उसको ही हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये हमेशा मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, यानी मनी के वर्थ में होना चाहिए। अब ये समझो कि सपोज अब आप पापा जी आए और आप भी पापा जी से पूछ रहे हो पापा क्या हाल चाल है, पापा भी कह रहे हैं बेटा बहुत अच्छा। तो यहां ट्रांजेक्शन है बट मनी के वर्थ में नहीं है। ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए मनी के वर्थ में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार को बोलते हो कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, और दुकानदार को आप पैसे देते हो और दुकानदार उसके बदले में आपको सामान देता है, तो दैट मींस यहां ट्रांजेक्शन में मनी यानी कैश इन्वॉल्व है। ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में कवर होंगे। यदि जिस ट्रांजेक्शन में मनी और मनी वर्थ वाली चीजें नहीं है वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये समझ लो आपका किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है यदि वहां मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। यानी मनी का इंक्लूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में कहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में मॉनेटरी टर्म में होते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आपने किसी से गुड्स परचेज करा, किसी से गुड्स सेल करा। अब सर ये गुड्स क्या होता है, हम आज ही आपको बताने वाले हैं गुड्स के बारे में, गुड्स क्या होता है। बस हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो हम गुड्स आज आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप ये समझ लो कि जो भी बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं या फिर रेंट पे कर रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, यानी बिजनेस में जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन जिसमें मॉनेटरी वाली मनी वाली चीजें इन्वॉल्व होगी वो ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गई ये बातें। यदि इसके बाद भी यदि किसी को और भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होता है, अभी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी डे टू डे एक्टिविटी है जिसको कि हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आई थी यहां रिकॉर्ड करते हैं, तो सर कहां रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने की कोई जगह तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं है हम अपने दिमाग में रख लिए, हाँ हमने उससे ये खरीदा उसको ये बेचा, तो ये चीज अपने दिमाग में रख लिया, बट दिमाग में रखने से नहीं, उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जहां रिकॉर्ड कर रहे हैं वही जगह क्या कहलाती है, अकाउंट। सर ये फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, आप देख ले यहां पे हम यदि बात करें तो यहाँ पर जो भी अकाउंट्स होगा एक पर्टिकुलर हेड होगा। सपोज मान लीजिए एक्स वाई जेड मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स अकाउंट, तो अब इसे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डेबिट साइड कहलाता है और राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट साइड होगा। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है,
आप भूल जाओ डेबिट क्रेडिट, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है आप ये समझ लो कि आपने बिजनेस में कुछ आपके पास आ रहा है कुछ आपके पास जा रहा, यानी आप इनफ्लो और आउटफ्लो का कांसेप्ट समझो, यानी ये समझ लो आपने इससे पहले कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं, आप ये समझ लो एक नॉर्मल हिसाब की एक साइड आपने ये रखा है कि पैसे आ रहे हैं और एक साइड आपने लिख रखा है पैसे जा रहे हैं, और लास्ट में जाकर के आपने इसे बराबर कर देना है कि हमारा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये बातें आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगी। सर क्या यही अकाउंट्स होता है? बिल्कुल ऐसे ही हम अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसे यदि हम किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर के लिए रिकॉर्ड करेंगे तो यही क्या कहलाएगा बच्चे, अकाउंट्स कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, कैसे बनेगा ये सारी बातें मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट में दिखाया, आगे क्लासेस में आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि कहां पे इनफ्लो आएगा कहां आउटफ्लो आएगा, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल में। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल वर्ड आपने इससे पहले सुना तो होगा, सर कैपिटल क्या, वही इंडिया की कैपिटल दिल्ली होती है। अरे ना 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 बच्चे, कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं है, यहां हम अकाउंट से बात कर रहे हैं। अकाउंट्स में जो कैपिटल है इसका मतलब सर अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। सर थोड़ा सा हिंदी मतलब बता के देखिए कैसा होता है। बेटा थोड़ा हिंदी मतलब होता है पूंजी, पूंजी कहते हैं। सर मजा नहीं आया, कुछ और अलग सा बताइए। चलो अलग सा बताते हैं, मतलब ये समझ लो कि कोई भी बिजनेस यदि होगा तो उसका कोई ना कोई सर ऑनर तो होगा, बिल्कुल होगा सर, ऑनर भी होगा जिसको आप मालिक कहते हो। सर बिजनेस में ये बात तो समझ में आ गया ऑनर, अब आप ही सोचो जिसका बिजनेस होगा पैसा कौन लगाएगा? बिजनेस का ऑनर ही पैसा लगाएगा। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। इसका मतलब सर इसका कोई इसके साथ वास्ता है? बहुत वास्ता है बच्चे, यानी बिजनेस में बिजनेस के ऑनर के द्वारा जो भी पैसा लगाया गया जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया वही कैपिटल होता है। अच्छा सर हमें तो पता ही नहीं था, आज पता लग गया कैपिटल क्या होता है। हाँ सर आज पता लग गया। तो कैपिटल के बारे में क्या बोलेंगे कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्टेड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। सर ये बात तो हमें आज पहले पता लगा लेकिन हम जानते थे इसके बारे में। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा बच्चे जो तुम जानोगे लेकिन इसे हम अकाउंट्स में कैसे जानेंगे ये चीजें, यानी कि ये हम ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ रहे हैं जिसका कि हमें अकाउंट्स में जरूरत पड़ने वाला है। इस कारण इस टॉपिक का ही नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले हमें टर्म्स क्लियर होगा तभी तो। अब आपको कहीं बोल दिया गया कि आप बोलो सेंटेंस बनाओ तो यहां पर आपको पहले लेटर तो पढ़ने के लिए आना चाहिए कि ये ए फॉर एप्पल होता है। तो इसीलिए ये अकाउंट्स का ये समझ लो ये पहले आपके कुछ टर्म्स है। यदि ये बातें आपको क्लियर हो गई तो आपको आगे सेंटेंस ही बनाने के लिए आ जाएगा, यानी आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए सिखा दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण पहले टर्म जानना बच्चे ज्यादा जरूरी होती है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कैपिटल के बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो भी क्या पैसा इन्वेस्ट किया गया है वही क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। सर इसका कोई एग्जांपल है? अब ये समझ लो मिस्टर एक्स जिसका कि जो कि ऑनर ऑफ द बिजनेस है यानी कि बिजनेस का मालिक है और वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है इन्वेस्ट किया है। सर इन्वेस्ट का मतलब लगाना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और रखते हैं। अब आप ये समझ लो कि बिजनेस में जब पैसा लगाएगा तो बिजनेस अलग पर्सन है और बिजनेस का ऑनर अलग पर्सन है, तो दोनों के हैंड पे यदि हम सोचने की बात करेंगे तो बिजनेस के हैंड पर जो भी ऑनर ने पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। सर ये लाइबिलिटी कौन सी चिड़िया का नाम है? आगे बताएंगे बच्चे लाइबिलिटी कौन सी चिड़िया का नाम है, बिल्कुल आगे हमारे टॉपिक में कवर होगा लाइबिलिटी। अभी फिलहाल के लिए आप ये सोच के रखो कि बिजनेस के हैंड पे वो चीजें क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। और ऑनर के हैंड पे वो चीजें क्या कहलाएगी? कैपिटल। यानी एक ही चीजों का दो नजरिया, यानी दो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये कैपिटल हो गया। अब हम बात करते हैं ड्रॉइंग की। बात करते हैं सर ड्रॉइंग क्या होता है? अभी आपने बिजनेस के ऑनर का नाम सुना। हाँ सर सुना। तो अब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यदि कोई पैसा बिजनेस से निकाला है विड्रॉ किया है ये चीजें क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग कहलाएगी। सर पर्सनल पर्पस क्या होता है? पर्सनल पर्पस का मतलब वो अपने लिए, यानी बिजनेस का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए या तो वो कैश निकाला है या फिर वो गुड्स विड्रॉ किया है तो वो चीजें क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग। यानी एक सिंपल लाइन में बोले कि बिजनेस के ऑनर द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट या गुड्स विड्रॉ किए जाते हैं वो चीजें क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग कहलाएगी। यानी पर्सनल पर्पस यहाँ पे मस्त है कि पर्सनल पर्पस होना ही चाहिए। सर यदि पर्सनल पर्पस भी हुआ इसका मतलब वो बिजनेस पर्पस है और वो आपके बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी चीजें।
यानी पर्सनल पर्पस तो ड्रॉइंग, पर्सनल पर्पस नहीं तो बिजनेस के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस के ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग कहलाएगा। आइए आगे बात करते हैं, एक हमारा टॉपिक है एसेट्स। वैसे एसेट्स की टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, हम आगे की वीडियो में एसेट्स की क्लासिफिकेशन और एक एक चीजें और भी डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको छोटे छोटे टर्म से पहले रूबरू कराए ताकि आपको ये बातें दिमाग में मैपिंग हो जाए। इसलिए सबसे पहले हमें वो वर्ड जानना जरूरत पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले लेटर आना चाहिए, यदि लेटर नहीं आ रहा बच्चे सेंटेंस नहीं बना पाओगे। इसलिए पहले आप ऐसे ऐसे टर्म से जानो ताकि आप गेम खेलते हो, हाँ सर गेम खेलते, पबजी खेलते हो, हाँ सर पबजी खेलते, उसमें बहुत सारे गन का नाम होता है, अब आपको गन का नाम पता ही नहीं, अब आप चले पबजी खेलने के लिए, हाँ सर ये तो नहीं हो सकता। इसलिए आपको वो चीजें पहले पता होनी चाहिए। अब गन में भी वेराइटी होगी कि ये है वो है ऐसे है, तो इसलिए पहले आपको वेराइटी जाननी पड़ेगी। आगे बात करते हैं एसेट्स में, तो एसेट्स क्या होता है सर? एसेट्स मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपके बिजनेस में हर वो चीजें जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है वो हर चीजें क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। सर एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब मैं हिंदी बोलूंगा तो आप बोलोगे सर ऐसा वर्ड हमने सुन रखा है, लेकिन एसेट्स वाले वर्ड पहली बार सुन रहे हैं। एसेट्स को हिंदी में बेटा संपत्ति बोलते हैं, संपत्ति, लेकिन हम संपत्ति वर्ड यूज नहीं करेंगे, हमने ऐसे पहले वर्ड सुन रखे हैं जायदाद संपत्ति, लेकिन हम अकाउंट्स में इसको एसेट्स बोलेंगे और यही नाम यूज करेंगे, कहीं पे वर्ड संपत्ति वाली चीजें यूज नहीं करेंगे। तो अब बिजनेस में क्या होता है, हर वो चीजें जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है वो हर चीजें एसेट्स होगी। सर को एग्जांपल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे एग्जांपल। अब बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला होता है, बहुत सारी चीजें, कोई आप नाम सोचो, सर हमें तो नाम पता ही नहीं, आप खुद ही बता दो। बिजनेस में बिजनेस का ऑफिस वाला बिल्डिंग होता है, हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके बाद मशीनरी होती है, हाँ सर बिल्कुल होता है, तो ये वो चीजें हैं। इसके बाद बिजनेस में और क्या क्या चीजें होती है, फर्नीचर होती है, हाँ सर होता है। इसके बाद लैंड कह सकते हैं, इसके बाद फिक्सर कह सकते हैं, इसके बाद डेटर कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं किसके, एसेट्स के। सर आपने थोड़ा सा ही लिखा है, मैंने पहले आपको बताया एसेट्स का क्लासिफिकेशन, मैं आपको और भी डीपली एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप फिलहाल के लिए लॉजिक समझे कि ये बिल्डिंग एसेट्स कैसे है, आप लॉजिकली सोचो, आप हमारे दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि बिल्डिंग का मतलब क्या। आज आप जिसमें रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं अचानक से रातों रात गायब हो जाएगा, ये कोई भूतिया चीज तो है नहीं कि आज है और कल गायब हो जाएगी, नहीं, इसका बेनिफिट आपको कल भी मिलना बाकी है, परसों भी मिलना बाकी है, तो दैट मीन्स इसका बेनिफिट आप फ्यूचर में भी लेने वाले हैं। सर बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सब कुछ खाना या कंज्यूम करना नहीं, बेनिफिट का मतलब ये हो गया उस चीजों को आप यूज कर रहे हैं तो वो भी बेनिफिट के टर्म्स में कवर होगी। सर आपने एक वर्ड बताया फ्यूचर में, सर फ्यूचर का मतलब क्या, 10 साल बाद सोचेंगे या अभी से सोचेंगे? बेटा अभी के टाइम के बाद जितना भी टाइम होता है वो सब के सब क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं, यानी अभी के बाद सर जो भी चीजें जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना बाकी है वो सबके सब एसेट्स होंगे। हाँ बच्चे बिल्कुल सबके सब एसेट्स होंगे। तो बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि यदि ऑफिस का कोई बिल्डिंग है इसका भी बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, अभी आपको मैं नॉर्मली कुछ एग्जांपल दिया हूं, जब हम क्लासिफिकेशन की वीडियो में आएंगे तो वहां पर आपको और भी क्लियर बताया जाएगा। मशीनरी, मशीनरी अब ऑफिस, अब क्या कहते हैं कंपनी, सॉरी ऑफिस होगा तो उसके अंदर मशीनरी भी होगी, मशीन टूल्स वगैरह सब भी होंगे, तो इसका भी बेनिफिट बच्चे आपको फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, बेनिफिट मिलना बाकी है तो वो भी क्या होगा, मशीनरी होगा। फर्नीचर, ऑफिस में कोई फर्नीचर भी है इसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लैंड, फिक्सर, डेटर, सर डेटर क्या होता है, अभी हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन में जब हम आएंगे तो डेटर क्या होता है उस पे, डेटर समझने से पहले आपको मैं सेल्स समझाऊंगा और तब डेटर का कंसेप्ट समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। सर थोड़ा और क्लियर, मैंने आपको पहले बताया कि एसेट्स में वही चीजें आएंगी जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना बाकी है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, एसेट्स होंगी। ठीक है, अब एसेट्स के बाद यदि हम बात करें, अब हम आएंगे लायबिलिटी पे। तो सर लायबिलिटी क्या होता है, आपने लायबिलिटी वर्ड हिंदी में पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा इसकी बात मैं नहीं करूंगा, बट आई होप कि आप इस बातों से थोड़ा सा रूबरू होंगे। यदि मैं हिंदी में बताऊं तो आपको लगेगा सर ऐसा वर्ड सुना हुआ है लेकिन लायबिलिटी नहीं सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुन भी रखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं सुना लायबिलिटी को मैं एक वर्ड बताता हूं हिंदी वर्ड में, लेकिन आपने हिंदी वर्ड याद नहीं रखना है, अकाउंट से बात लायबिलिटीज ही करनी है,
लायबिलिटीज को वैसे हिंदी में दायित्व कहते हैं। सर दायित्व थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, तो लायबिलिटी याद रखो। मैंने पहले बताया कि आपने हिंदी याद नहीं रखना, बट आपको समझने के लिए मैं पहला वर्ड बता दिया कि लायबिलिटी, ताकि आप उस चीजों को कोरिलेट कर पाओ। ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं, एकदम लॉजिकली समझो। तो लायबिलिटीज में क्या चीज आएगी, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना अभी भी बाकी है इन द हैंड ऑफ बिजनेस, यानी ऑन द हैंड ऑफ बिजनेस, यानी वो चीजें जो बिजनेस के हैंड पर है, से सोचे ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है। तो अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, सपोज ये समझ लो कि एक्स का कोई बिजनेस है और वो किसी से कोई गुड्स परचेज करता है, खरीदता है, तो अब सामने वाले जिससे वो परचेज कर रहा है, सबको ये समझते हैं मिस्टर वाई से वो परचेज कर रहा है, तो अब वाई ने उसे गुड्स बेच दिया है, अब एक्स के हैंड में वो चीजें क्या है, पे करना बाकी है। दैट मीन्स ऑब्लिगेशन, सामने वाले वाई ने उसे ऑब्लाइज कर दिया, अब एक्स उसे क्या करेगा, पे करेगा। तो एक्स के हैंड पर क्या हो गई, वो चीजें लायबिलिटी हो गई। यानी अब हम एक लाइन में बोलते हैं कि ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है। बच्चे मैंने पहले ही आपको बताया, मैं अपना कोई बुक वाला डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आपको समझने वाला लैंग्वेज बताऊंगा, ताकि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो सके। ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं है, आपको बस समझना है पहले। तो ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है वो क्या कहलाएगा, आपका लायबिलिटीज कहलाएगा। अब ये लायबिलिटीज के भी सर कुछ टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होता है। अब ये एसेट्स जिस क्लास में आपको बताया जाएगा उसी क्लास में आपको लायबिलिटी के टाइप्स भी बताए जाएंगे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे कई सारी चीजें सर, वो सारी चीजें क्या होगी बिल्कुल आपको बताया जाएगा। अभी मैंने पहले आपको बताया, आप बस स्तर को समझो कि वो ऑब्लिगेशन जो बिजनेस के हैंड पे पे करना अभी बाकी है वो लायबिलिटी होगी। सर थोड़ा और क्लियर बताओ, और क्लियर ये समझ लो, आप सपोज लो कि आप मानो कि आप दुकान गए पे गए और दुकानदार से बोला कि भैया मुझे ये सामान दे दो, दुकान वाले ने आपको सामान दे दिया और आप दुकान वाले को कह रहे हो कि भैया हम ये पैसा आपको दो दिन बाद देंगे। अब दुकान वाले ने आपको ऑब्लाइज कर दिया, ऐसा ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लाइज कर दिया, अब आपके हैंड पे वो चीज क्या है, पे करना बाकी है। आप उसे कब पे करोगे, दो दिन बाद। तो आपके हैंड से सोचना है कि आपके हैंड से वो चीज क्या हो जाएगा, पे करना बाकी है। तो सर लायबिलिटी किस पे आई, मेरे पे या दुकानदार पे, पे किसके हैंड से करना बाकी है, आपके हैंड से। इसका मतलब लायबिलिटी आई किस पे, आपके ऊपर। यदि जिसके हैंड पर पे करना बाकी है उसी पर लायबिलिटी आती है। अब हम बात करेंगे रिसिप्ट्स में। रिसिप्ट क्या होता है कि अभी बिजनेस में हमने देखा कि बिजनेस में जो भी गुड्स सर्विस या एसेट्स को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है या रिसीव होना बाकी है वो सारी चीजें क्या कहलाएंगे, रिसिप्ट कहलाएंगे। सर थोड़ा और क्लियर करें, सर आपने बताया कि गुड्स को सेल करने, एसेट्स को सेल करने और सर्विस को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, सर गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आपको ये लास्ट में बताने वाला हूँ, बट मैं आपको फिजिकल से बता दूं कि जो आपके बिजनेस में फिजिकल स्टेट में जो भी चीजें रहती है उस चीजों को हम क्या बोलते हैं, गुड्स कहते हैं। आगे आपको हम और डिटेल से बात करेंगे इसमें। तो अभी हमने क्या बताया कि बिजनेस में कोई भी गुड्स या एसेट्स या सर्विस को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो किसमें कवर होंगे, रिसिप्ट में। इसका मतलब यदि एग्जांपल वाइज कहे तो जैसे समझ लो आपने कोई गुड्स बेचा किसी को, यानी सेल करा, तो सेल करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा। सर आपने वो एक और वर्ड बताया था, अमाउंट मिलेगा तुरंत या मिलने वाला होगा, जिसको हम वर्ड रिसीवेबल कहते हैं, रिसीव्ड और आइदर रिसीवेबल, या तो मिलेगा या फिर मिल चुका है। तो ये दोनों चीजें कवर होंगी, तो यानी गुड्स के सेल करने के बाद जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है या रिसीव होना बाकी है वो क्या कहलाएगा, आपका रिसीव। सेम एसेट्स में भी देखते हैं, आप जैसे मान लो कि आप एसेट्स, कोई एसेट्स को सेल करते हो, सपोज आपने कोई बिल्डिंग सेल करा, तो बिल्डिंग सेल करने के बाद जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है या फिर रिसीव होना बाकी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको इमीडिएटली अमाउंट रिसीव नहीं होते हैं, कुछ टाइम बाद अमाउंट रिसीव होते हैं, जिसको कि हम बात करेंगे कैश और क्रेडिट में। जब हम बात करेंगे आपको सेल और परचेज में, वहां पर आपको क्लियरली बताया जाएगा कि क्रेडिट क्या होता है और कैश क्या होता है। तो दो चीजें कवर हो गया। तीसरी चीज आ रही है सर्विस सेल करने के बाद। अब ये समझो आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको सर के द्वारा सर्विस दिया जा रहा है, मतलब सर आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसके बदले में सर को फीस पे कर रहे हो, तो दैट मीन्स जो भी कोई फर्म होगा या कोई कंपनी होगी यदि वो किसी को सर्विस दे रही है और सर्विस देने के बाद जो उसे अमाउंट रिसीव होगा वो किसमें कवर होंगे, रिसिप्ट में। तो ओवरऑल यदि बात करें तो तीन बातें आ गई कि या तो कोई गुड्स या कोई एसेट्स या फिर सर्विस,
वो सेल करने के बाद जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा वो किसमें कवर होंगे, रिसिप्ट में। सर इसके अलावा इसमें और भी कोई चीज होता है? हाँ बच्चे, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसके बारे में हम आपको और डीपली बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम रिसिप्ट क्लासिफिकेशन में आएंगे कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो ये बातें आपको और भी, यानी आज हम जितने भी आइटम पढ़ रहे हैं इसमें से बहुत सारे वो आइटम है जिसके बारे में कि आपको उसके क्लासिफिकेशन और भी डीपली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आइए बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब क्या ये हो गया कि यदि आप बिजनेस में कोई भी रेवेन्यू जनरेट करते हो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है सर, यानी रेवेन्यू का मतलब जो आपको पैसा मिलने वाला है वो जनरेट करने के लिए जो भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं वो चीजें क्या होती है, एक्सपेंसेस। यानी सपोज ये समझ लो, आप जैसे मान लेते हैं कि मैं ये मार्कर बना करके बेचता हूं, ठीक है। अब ये मार्कर यदि मैं बना करके बेचता हूं तो बनाने में मुझे कुछ कॉस्ट आया होगा। अब सर वो कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, सबको ये समझ लीजिए, इसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगा होगा, इसके बाद इसको बनाने के लिए मुझे क्या कहते हैं एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेज देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा होगा। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होंगी, एक्सपेंसेस में। यानी वो इस चीजों को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट यानी जिसको आप लागत कहते हैं आया, वही चीजें क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आपका कॉस्ट आता है वो चीजें क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस। सर कोई एग्जांपल है? अब आप समझ लो कोई भी कंपनी जो कि कोई भी सामान बना करके बेचेगी तो क्या क्या खर्चा लग सकता है, एकदम लॉजिकली समझना। सर एक तो जो सामान बनाएगी उसका रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके बाद उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी, अब प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीजें कवर होंगी किसमें, एक्सपेंसेस में। सर एग्जांपल वाइज में कुछ लिखे इसके? हाँ लिख सकते हैं, एग्जांपल वाइज यदि हम बात करें एक्सपेंसेस के तो ये आपके कवर हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एटीसी। और भी चीजें होती है बच्चे इसमें, और भी चीजें होती है, आपको और भी डीपली हम बात करेंगे इसमें कि और क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि इसके अंदर में और भी इसके टैक्स में आएंगे, जैसे एक्रूड हो जाएगा, एडवांस आ जाएंगे, ये सारी चीजें आपको और डीपली बताया जाएगा। आज बस आपको बस एक टर्म से बस रूबरू करवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें दिमाग में एक मैपिंग हो जाए, कोई रट्टा फिक्सन नहीं है, एकदम लॉजिकली समझते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनकम। सर इनकम क्या होता है? सर इनकम वर्ड तो हमने सुन रखा है कि पापा की सैलरी आती है और उसको हम इनकम समझ लेते हैं। नहीं, वो चीजें नहीं। यदि पापा की जो पूरी सैलरी आती है वो पूरा इनकम नहीं होता है। यदि आपके दिमाग में ख्याल है तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें। जैसे मान लेते हैं कि पापा जी ने आपको 100 रुपए दिया, आप क्या समझ रहे हो 100 रुपए आपका इनकम है? नहीं, पापा जी ने आपको 100 रुपए दिए और उसके बाद ये बोला कि इसमें से आपको 50 रुपए खर्च करने हैं और उसके बाद जो है वो आपका है। तो ये समझ लो आपने 50 रुपए खर्च कर लिए, इसके बाद जो 50 रुपए बचा वो आपका क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। सेम बिजनेस के हैंड पे सोचते हैं कि बिजनेस ने अपने गुड्स को सेल करने के बाद जो भी पैसे ले आए वो हमारा क्या था, रिसिप्ट में कवर हो रहा था। अब बिजनेस क्या करेगी, कुछ खर्चे भी करेंगे यानी एक्सपेंसेस भी होगा। अब आपके जो भी एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाते हैं वो उसके बाद जो रिमेनिंग चीजें बचता है वो क्या कहलाएगा, आपका इनकम कहलाएगा। यदि हम बात करें तो सर इसको कोई हम इक्वेशन के टाइप से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अभी आपने सर ये बताया कि रिसिप्ट जो भी हमारे पास आए, इसमें से यदि हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम। अब आपके पास रिसिप्ट वाइज कितने आए, सपोज ये समझ लो आपके बिजनेस में 10,000 रुपए आए और उसमें से आपने टोटल खर्च कितने कर दिए, 5,000, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा वही आपका इनकम है। तो सर फिर रिसिप्ट और इनकम में डिफरेंस हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंस है। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास टोटल अमाउंट आए हैं, जो भी पैसा आया है, और इनकम में मैंने क्या बताया, इनकम तभी आएगा जबकि आप रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। सर इसके लिए जगह हम वर्ड रेवेन्यू यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेवेन्यू में से भी यदि हम एक्सपेंसेस को माइनस करें तो भी हमारा इनकम आएगा। तो सर रेवेन्यू का ही मतलब इसी से रिलेटेड होगा? बिल्कुल इसी से रिलेटेड होगा। रेवेन्यू का ही मतलब ये हो गया कि आपके गुड्स और
सर्विस को सेल करने के बाद जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आपके रेवेन्यू में डबल होते हैं। तो हम ये दोनों को सिमिलरली समझेंगे, आप इसके बारे में आगे और भी डिफरेंस समझेंगे। आपको रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम बताया गया, बट आपको ये समझने के लिए मैंने टर्म यूज किया कि रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बट आपने याद क्या रखना है इस टेक्निकल टर्म को, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा, इनकम आएगा। सर ये बात तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो भी पैसा आया और हमने जो खर्च कर दिया इसके बाद जो बचा वो हमारा क्या है, इनकम है। सर इसका मतलब इसमें प्रॉफिट का भी कोई लेना देना होगा, प्रॉफिट भी इससे रिलेटेड होगा? हाँ होगा। प्रॉफिट और गेन क्या वाली चीज होती है ये हम आगे जरूर आपको बताएंगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा और उसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, क्या इनकम ही हमारा प्रॉफिट है या फिर दोनों अलग अलग चीज है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आइए बात करते हैं लास्ट है गुड्स, इसके बारे में। सर गुड्स क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था गुड्स क्या होता है। गुड्स का मतलब क्या हो गया कि आपसे यदि कोई गुड्स का डेफिनेशन पूछ दे, सपोज आप कॉमर्स वाले नहीं भी हो या फिर आप पहली बार ये वर्ड सुने हो, तो आपको ये बात बताना है कि भैया आप बिजनेस कर रहे हो। हाँ जी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो भी चीजों में आप डील कर रहे हो और वो चीजें आपके पास फिजिकल स्टेट में है तो वही चीजें क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। यानी सपोज ये समझ लो अब एक फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच रहा है तो वो फर्नीचर उसके लिए क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। सर अब मान लेते हैं राशन की दुकान वाला, राशन की दुकान वाले के पास बहुत सारा आइटम होता है बेचने के लिए, तो दैट मीन्स उसके लिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। यानी वो चीज है बिजनेस में जो फिजिकल स्टेट में एग्जिस्टेंस में हो और उसमें वो डील करता हो वही चीजें क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। क्योंकि आपको पूरे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हर जगह ये गुड्स वाली चीजें आएगी आएगी, इस कारण इसको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा आपको कि गुड्स क्या होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब एक बार हम एक बार वन शॉट में इन सबको एक बार क्लियर करेंगे कि ये क्या 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 चीज होगी, एकदम बिल्कुल यहां पर ध्यान बनाए रखें और एक एक चीजों को हम देखते हैं। बस दो मिनट टाइम लगेगा और आपको रिवॉल्व करवाते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में। एकदम नॉर्मली कोई डेफिनेशन याद नहीं रखना, मैंने पहले बताया रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, लॉजिक से समझे। बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैंने क्या बताया कि बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, जो भी आपका लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में होगी वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। सर ठीक है, अकाउंट्स में क्या बताया था, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर यदि रिकॉर्ड करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका अकाउंट्स कहलाता है। कैपिटल है बच्चे, मैंने क्या बताया कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्टेड है, यानी बिजनेस के ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किए वो चीजें क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉइंग में। ड्रॉइंग में क्या बताया था बच्चे मैंने कि बिजनेस के ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, या फिर वो गुड्स के स्टेट में हो या फिर वो कैश के स्टेट में हो, वो क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉइंग कहलाएगा। हाँ सर यहां तक तो बातें क्लियर है। अब आ जाओ बच्चे एसेट्स में क्या बताया था, सर आपने वही बताया था कि बिजनेस में हर वो चीज है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है या मिलना बाकी है वो एसेट्स कहलाएगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सही पकड़े कि एसेट्स बिजनेस की वो चीजें होती है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। अब आप सोच लो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, मैंने एग्जांपल वाइज बताया भी था, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेटा कैश बहुत सारी चीजें होती है। सर इसका आपने क्लासिफिकेशन कब बताएंगे बच्चे, मैंने बताया आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम इसे पूरी क्लासिफिकेशन बताएंगे एसेट्स के बारे में, यानी पूरा ऑपरेशन करेंगे एसेट्स क्या है। सर आगे आपने बताया था लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होता है, ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है वो लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स के बारे में हम कल बात करेंगे, यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट नॉन करंट, व्हाट एवर जो भी चीजें होगी इसके बारे में हम अलग से ऑपरेशन करेंगे इसका भी कि क्या क्या चीज होगी। अभी फिलहाल के लिए समझना है ऐसा ऑब्लिगेशन जिसे पे करना बाकी है ऑन द हैंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हैंड पे सोचना है, यानी जो पे करेगा जिसको पे करना बाकी है उसके हैंड पे वो लाइबिलिटी होगी। हाँ सर यहां तक तो क्लियर हो गया। रिसिप्ट में क्या बताया बच्चे आपको मैंने, रिसिप्ट में मैंने क्या बताया था कि आपके बिजनेस में कोई भी गुड्स सर्विस या एसेट्स को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा, रिसिप्ट कहलाएगा। हाँ सर यही बताया थे, रिसिप्ट में मैंने क्या बताया इसके दो टाइप होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सर इसके बारे में आपने बताया नहीं, मैंने बताया सबके बारे में हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सर इसके बाद आपने एक्सपेंसेस बताया था, एक्सपेंसेस का मतलब मैंने क्या बताया कि जो भी आप गुड्स या फिर सर्विसेज बेचते हो
उसको बेचने के लिए जो भी आपके कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, कॉस्ट लगते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सपेंसेस कहलाता है। सपोज यहाँ एग्जांपल वाइज मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे सैलरी आपने पेड करा, रेंट पेड करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करी, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे? आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है। इनकम के बारे में आपने बताया था कि जो भी आपके पास रेवेन्यू आया है, टोटल रेवेन्यू, उसमें से यदि आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तब जो आइटम आपको मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। हाँ सर, ये भी क्लियर है। गुड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया बच्चे, कि कोई भी बिजनेस में जो भी चीजें फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो चीजें क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। हाँ सर, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो रही है। सर आगे क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मैंने पहले बताया कि अब आज के टर्म में जो भी चीजें हैं हम सबके बारे में ऑलमोस्ट, जैसे एसेट्स के बारे में आपको डीपी बताया जाएगा, लाइब्रेरी के बारे में डीपी बताया जाएगा, रिसीप्ट का क्लासिफिकेशन, इसके बाद एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।